हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी नार्जो 50AK कैमरा सेटिंग के बारे में। कैमरा की कुछ हिडन फीचर्स बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको फिंगर से कैसे फ़ोटो को शूट करना है, या फिर दूर से आपको हाथ हिला के फ़ोटो कैसे शूट करना है, या फिर आप अपने फ़ोन में फ़ोटो पर वाटर मार्क कैसे लगा पाएंगे, ये सब आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, नार्जो 50i में भी आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कैमरा पर जाते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाता है सिंपल वाला वीडियो मोड, फिर यहाँ से आपको फ़ोटो। तो ये जो सिंपल वाला फ़ोटो का मोड है, इसे आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम जो फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर सिंपल फ़ोटो जो है वो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं गैलरी में। तो नॉर्मल फ़ोटो जो रहता है उसके लिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको। ये जो है एक यहाँ पर ये जो है देख रहे हैं आप, ये एक नॉर्मल फ़ोटो है। तो फोटो मतलब कैमरा काफ़ी बढ़िया है, ठीक ठाक है गाइस। ये नॉर्मल यहाँ पर ये जो है नॉर्मल फ़ोटो है, बाकी ये जो है ब्यूटी प्लस का फ़ोटो है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है ब्यूटी प्लस का फ़ोटो। ब्यूटी प्लस जो ऑन करके अगर आप फ़ोटो को क्लिक करते हैं, ये जो है ब्यूटी प्लस, और इसे आप यहाँ से पूरा फुल करके रखा है मैंने, तब यहाँ से ये मैंने फ़ोटो क्लिक किया है। ये ब्यूटी प्लस का फ़ोटो है। बाकी यहाँ पर दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, ये पोर्ट्रेट करके पोर्ट्रेट जो बैकग्राउंड को पोर्ट्रेट करते हैं ब्लर करके, तो ये जो पोर्ट्रेट देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो फ़ोटो है वो इस वाले ऑप्शन का फ़ोटो है। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड ब्लर हो गया है, जैसे कि आपको भी दिख रहा होगा गाइस। यहाँ से आपको और दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको जाना है वीडियोज़ पर। तो वीडियोज़ जो नॉर्मल वीडियोज़ हैं, यहाँ पर मैंने एक शूट की है, तो यहाँ से वीडियोज़ भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं गैलरी में और वीडियोज़ हम आपको दिखा देते हैं। वीडियो में क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक आई है और वीडियो में जो वॉइस है वो भी ठीक ठाक ही आई है गाइस। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये जो है हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो काफ़ी ठीक ठाक रिकॉर्डिंग वीडियोज़ हुई है। बाकी यहाँ पर वॉइस भी है, तो नॉर्मल वॉइस है ऐसी। बाकी फ्रंट कैमरा की भी मैंने वॉइस और रिकॉर्डिंग की है फ्रंट कैमरे से भी। तो ये जो है हमारी फ्रंट कैमरे की रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग, और ये जो है हमारी बैक के कैमरे की रिकॉर्डिंग है। ये मेरा सामान पड़ा हुआ है जो कि वीडियोस बनाई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वीडियोस क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक है, वीडियो बहुत ही बढ़िया बनी है, पीछे के कैमरे से काफ़ी ठीक ठाक वीडियोस बनी है। बाकी दोस्तों, अब मैं आपको इसके कैमरा की कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ। तो सेटिंग पर क्लिक करेंगे और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप फिंगरप्रिंट से फ़ोटो को शूट करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट वाले को ऑन कर देंगे, तो आपके फ़ोन में जैसे फिंगरप्रिंट को टच करेंगे तो आपका फ़ोटो शूट हो जाता है। बाकी यहाँ पर शूटर साउंड को यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं या फिर ऑफ भी कर सकते हैं आप। बाकी शूटिंग मेथड पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ से आप अगर जैसे कि हाथ से करना चाहते हैं तो यहाँ से हाथ से भी फ़ोटो शूट कर पाएंगे, लेकिन ये करता है फ्रंट कैमरे में काम। तो फ़ोटो पर क्लिक करते हैं और फ्रंट कैमरे को ओपन कर लेते हैं, फिर यहाँ से आपको सेटिंग पर क्लिक करते हैं और शूटिंग मेथड पर जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन जो है फ्रंट कैमरा के लिए वर्क करते हैं। तो टैप टू कैप्चर अगर कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है फ़ोटो शूट हो जाता है, और शो फ्लैम अगर आप इसे क्लिक कर दें, आपको हाथ को शो करना है ऐसे करके, आपका फ़ोटो शूट हो जाता है। ये दोनों ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर इनेबल करके दिखाता हूँ। मैंने हाथ को इसे क्लिक किया, यहाँ पर 3 सेकेंड का टाइम लगा और यहाँ से हमारा जो है वो इस तरीके से फ़ोटो शूट हो जाते हैं। बाकी यहाँ से अगर हम कहीं भी क्लिक करते हैं तब भी हमारा फ़ोटो शूट हो जाता है। ये तो काम बैक कैमरे में भी कर देता है शायद, बैक कैमरे में भी देखो, ये मैंने कहीं भी क्लिक किया और हमारा फ़ोटो शूट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसे इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से आपको और नीचे जाना है, फिर यहाँ से आपको वाटर मार्क मिल जाता है। तो वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको मॉडल नेम मिल जाता है, इसे ऑन कर देना है। बाकी कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, जैसे दोबारा से लिखते हैं। यहाँ पर वाटर मार्क पर जाते हैं और आस मोहम्मद शॉर्ट में लिख देते हैं और ओके कर देना। अब यहाँ से आपको बैक जाना है। अब बैक जाने के बाद आप कोई भी फ़ोटो को शूट करेंगे, तो यहाँ पर एक फ़ोटो शूट कर लेते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ओप्पो A16 आस मोहम्मद, यहाँ पर ये जो है वाटर मार्क आ चुका है।
तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में वाटर मार्क लगा सकते हैं, टाइम एंड डेट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे, टाइम एंड डेट इसे आपको इनेबल करना है। अब आपके पास जो भी फ़ोटो शूट होगा उस पर टाइम एंड डेट भी आ जाएगी। यहाँ पर शूट किया तो आज की तारीख और आज का समय वो भी यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से आप ये सेटिंग इनेबल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। बाकी दोस्तों यहाँ पर दोबारा सेटिंग पर जाना है और यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन आप चेंज कर पाएंगे। वीडियो रेजोल्यूशन जैसे कि यहाँ पर 1080 पिक्सल की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या फिर उससे कम, तो 1080 पर ही मैंने करके रखी है। बाकी दोस्तों यहाँ से आपको रिस्टोर कर सकते हैं, पूरी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।